दो और लड़कियां बाहर भी के यहाँ गाना सीखने आई हैं। उनके सामने अपनी पतलून बंद रखना। पता है सारी हिंदू लड़कियां अमृतसर जाने की बात कर रही हैं। आप एक बार अब्दुल से बात कर ले, काफी नाराज हैं। उस देव चौधरी ने लंदन से आते ही बंटवारे के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया है। आज दूसरी शादी की उसने, दूसरी बीवी घर लाया है और लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं। देव चौधरी? हाँ मेरी जान, देव चौधरी। उसकी बीवी मर रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि देव दूसरी शादी कर ले। मैं जानती हूं हम दोनों इस रिश्ते में गिरफ्तार हैं और इसमें मेरा हाथ भी है। सुनिए, ये अब्दुल खान कहां मिलेंगे? जफर भाई, उतनी जफर के करीब हो रही थी। ये छापने लायक नहीं है। हीरा मंडी के लोहार आ जाए थे मुझे मिलने। आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए, वरना वो हमारे मुस्लिम स्टाफ को स्ट्राइक पे जाने पर मजबूर कर सकते। बाबा, साफ साफ बताइए किस बारे में बात करना चाहते हैं आप। रूप, तवायफे आजकल घर तक आती है मुजरा करने। माफी चाहते, हम गलत पते पे आई है। रूप को बख्श दे जफर। कब तक असलियत से मुंह फेरते रहोगे? जब तक असलियत जिंदा रहे। आप ही से सीखा है। आपको अचानक रूप की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? इस सब में रूप की कोई गलती नहीं है। इस सब में मेरी भी कोई गलती नहीं थी। अगर सीखना है तो मर्द बनकर अपनी मुश्किलों से लड़ना सीखो। अपनी जिंदगी के लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ। वही तो मुश्किल है बाबा, आप जैसे मर्द से कुछ नहीं सीखना चाहता मैं। आप अब्दुल को इस्तेमाल करके अवाम को उनकी प्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं, मोर्चे करवा रहे हैं और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन रूप, दूसरों की गुनाह की सजा, दूसरों की नहीं, उसे आपकी गुनाहों की सजा दी जा रही है। अम्मी, आपने एक शादीशुदा मर्द के साथ इश्क किया, बच्चा पैदा करके सड़क पे फेंक दिया। ऐसा न कहें। 17 साल के थे हम, मोहब्बत हो गई थी उनसे और आज तक उससे हम रिहा नहीं हो पाए। गलती हो गई जिसे आज तक मैं सुधार नहीं पाया। होशो हवास में की गई गलतियां गलती नहीं होती, बेईमानी होती है। और आज तक आपने अपने इस गुनाह को कबूल करने तक की हिम्मत नहीं की। हमारी मोहब्बत ने हमें खुद कर्ज बना दिया था। हमने बच्चा इसलिए रखा ताकि बलराज के और करीब हो पाए, लेकिन वो हमसे और दूर चले गए। हमने सोचा बच्चे की शर्म से भाग रहे हैं, आपको छोड़ देंगे तो वापस लौट आएंगे,
फिर हम समझ गए कि वो आपसे नहीं हमसे भाग रहे थे। हम आपको लेने वापस आए थे लेकिन आपने फेंकी हुई चीजें अक्सर सड़ जाती है अम्मी। हमारा रिश्ता भी अब हमेशा के लिए सड़ चुका है। अब आपकी मैयत के अलावा मेरे पास और कोई वजह नहीं है आपके पास लौटने की। देव, बस एक बात कहना चाहता हूं। मेरी भी शादी जबरदस्ती हुई, इसीलिए मैंने इस घर के बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश की। कहीं रूप के साथ ऐसा ना हो जाए। कोशिश करो अपने इस रिश्ते को निभाने की। सब आपकी अक्ल के नहीं होते बाबा। कम से कम मैं रूप की इज्जत करता हूं। आपने मां की कभी इज्जत नहीं की और उसकी पूरी जिंदगी ये सोचने में निकल गई कि शायद उनमें कोई कमी थी। आपके बच्चे तक को कबूल करने को तैयार थी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से लाती थी। अगर आप मान जाते तो हमारा घर बिखरने से बच सकता था, लेकिन आपका घमंड आपकी गलतियों से भी बड़ा था। उस लड़के की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर अब उसे मिल भी लूंगा तो आपसे और नफरत हो जाएगी। हमारा घर आपने बर्बाद किया है, लेकिन वजह वो है। तो मुझे अपनी रिश्ते कैसे निभानी चाहिए इस बात की सलाह आप ना ही दे तो बेहतर है। बलराज चौधरी, जरूरी था सफर हमसे नफरत शुरू से करते हैं, थोड़ी और कर लेंगे लेकिन इस तरह उनकी जान तो बच जाएगी। क्या फायदा जान बचाने का जब आपने जीने का मकसद ही छीन लिया। नाजायज मोहब्बत का अंजाम अक्सर तबाही होता है। जफर नाम है उसका, तुम्हारा भाई, जिसे तुम ईद के दिन पे मिले थे। मुझमें हिम्मत नहीं थी अपनी गलतियों को कबूल करने की। माफ कर दो मुझे।